तीन दिवसीय राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हो गया है। नरेंद्र पैलेस में आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों ने अपने विचार रखे तथा कुमाऊनी भाषा को सशक्त व मजबूत बनाने पर मंथन किया गया। साथ ही कुमाऊनी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की भी मांग की गई। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जो कि इस बार हमारे जनपद बागेश्वर में हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो दूध बोली है, मातृबोली है कुमाऊनी, इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में एक प्रश्न आता है कि भाषा का विकास कैसे हो। किसी भी बोली या भाषा के विकास के लिए मुख्य रूप से होता है उसको बोलना। लिखने से, पढ़ने से या पढ़ाने से भाषा का विकास नहीं होता, बल्कि बोलने से भाषा का सर्वाधिक विकास होता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार में समय में अलग अलग राज्य रहे, अलग अलग लोगों की व्यवस्था रही, इसलिए हमारी भाषा में बड़ी विभिन्नता आ गई और हम एक बाहरी भाषाओं की ओर ज़्यादा आकृष्ट हो गए। जबकि जिस प्रकार एक बच्चे के विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसके वास्तविक जीवन के विकास के लिए उसकी मातृभाषा का बड़ा महत्व होता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा एक ये मानना है और हमारी पूरी समिति का ये मानना है कि हम यदि अपनी कुमाऊनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बातों को दूर तक पहुँचा पाएंगे। मैं हयात सिंह रावत, ये कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा सचिव छूँ और पहरू ये कुमाऊनी मासिक पत्रिका निकल नायक संपादक छूँ। मित्रों, हम हर साल एक तीन दिनों राष्ट्रीय स्तर कुमाऊनी भाषा सम्मेलन करनूँ और आज तक 12 सालों में 12 सम्मेलन है चुकी और यो साल यो बागेश्वर में यो सम्मेलन होना 3 दिनों 25, 26, 27 दिसंबर हूँ और ये मैं पूरे देश बैठी लोग आ रहे हैं। ये मैं दिल्ली बैठी आ रही, ये मैं देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ, चंदौसी, मुंबई और यहाँ पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल, इधर रानीखेत, चौखुटिया, सब बागेश्वर जिला का भया पिथौरागढ़, वेणीनाग, सब जागवटी ये लोग पहुँच रही है। इसमें राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का 13वां सम्मेलन इस बार जनपद बागेश्वर में आयोजित किया गया है। जैसे कि पहरू परिवार के एक यह सम्मेलन छू जो लगातार 15 साल में यह काम करते होना, लेकिन 2 साल कोरोना भी यह कार्यक्रम को नहीं कर सक। तो यह एक पहली ला जो बार कार्यक्रम छन विभिन्न स्थानों में नैनीताल, अलमाड़, हल्दैन, जोलीपुर, डोल आश्रम, मौनी माई आश्रम अलमाड़ में होते रही, तो अलवेर बागेश्वर में यह कार्यक्रम करेगो। यह एक मुख्य जो यह अध्यक्ष छन डॉक्टर हया सिंह रावत सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर जमन सिंह बिष्ट जी और जो संपादक छन रमेश प्रकाश पर्वती जी और सब लोग यहाँ सम्मिलित है। अलबेर हम बागेश्वर में धरा तो बागेश्वर में ले पूरा हमारे यहाँ डाइट परिवार विद्वानों और सब शिक्षक संगनक विद्वान गुरु जी लोग नक और नई पीढ़ी जदूल नई लोग हमारे बोली भाषा में प्रचार प्रसार करनी और हगिनका लेखनी उन और भले हमें सहयोग मिला पूरा व्यापार संगल और सब न्यूज़ पेपर और चैनल वानल हेतु प्रचार प्रसार करके हमें बहुत जागवे जो हमारे लोग होनी और जो ये चैनल में अपन उम्मीद देखनी माध्यम फेसबुक में तो भले एक तारीफ होने तो हम उनको लागू कि वास्तव में हम अपन बोली भाषा और दूध बोली के हिंदू प्रचार प्रसार हिंदू जानकारी हम उनको होनी चाहें। ये कुमाऊनी भाषा का राष्ट्रीय सम्मेलन 13वां सम्मेलन है, आप बागेश्वर नरेंद्र पैलेस में ये किया जा रहा है। पूरे हमारे पूरे देश के भीतर जितने भी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, सारी विधाओं के संस्कृति कर्मी हैं, सारे जुटे हुए हैं। ये सम्मेलन हमारा हर वर्ष होता है और इसका ये कसार देवी अल्मोड़ा की एक संस्था है तो ये हर वर्ष इसका सम्मेलन करती है। पूरे कुमाऊनी के साहित्यकार जुटते हैं। 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन है और अगर कुमाऊनी में कहा 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन छोयो तो यह मेन एक उद्देश्य छू कि हमारा जो कुमाऊनी भाषा छू यह प्रचार प्रसार हो और पूरे देश में यह फैलो। अब मैं यहाँ उत्तराखंड भाषा संस्थान एक सदस्य थी, बोर्ड मेंबर थी, तो हमें भाषा संस्थान आधिकारिक रूप में यहाँ भेज रखो कि मैं जाऊँ और वहाँ जो कुमाऊनी भाषा सम्मेलन हो उनमें हमारे जो भाषा मर्मज्ञ यहाँ आ रही उन के विचार धरनी और भाषा उत्थान लीजिए और भी प्रचार प्रसार लीजिए के सुझाव देनी, उस सुझाव उनका मैं नोट कर लूँ और यहाँ वो शासन तक पूछूँ।
तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं यहाँ रहूँ और जो यहाँ पर भाषा के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, वो कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कैसे क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या आगे कार्यक्रम हो सकते हैं, उसमें जो यहाँ पर सुझाव देंगे भाषा विशेषज्ञ, मैं उत्तराखंड भाषा संस्थान का एक बोर्ड का सदस्य होने के नाते उसको शासन तक पहुँचाऊँगा। तो आज यहाँ कुमाऊनी भाषा सम्मेलन लगा है 2021 बागेश्वर में, तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि जो आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है, वो अपनी भाषा संस्कृति को नहीं पहचान रही है। अगर वो पहाड़ से अगर हल्द्वानी या शहर की ओर जाती है तो अपनी भाषा को बोलने में शर्म करती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा पीढ़ी है, जो आज न्यू जनरेशन है, वो इस कुमाऊनी भाषा को बोले, अपनी बोली, अपनी संस्कृति को बोले, ताकि हमारी जो भाषा है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। तेरहवां कुमाऊनी राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में हम लोग युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और हम लोगों की कोशिश है कि इसमें अधिक से अधिक युवा जुड़ें और जो युवा लोग आजकल कुमाऊनी के प्रति उदासीन हो रहे हैं उनको इस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे अतिथिगण और देर दूर दूर में हमारे देश कोण कोण में हमारे कवि के लिए आज 3-4 कार्यक्रम में अच्छे बागेश्वर की प्रमुख खबरें CCN के साथ। CCN न्यूज चैनल को आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।